नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। ब्रिटेन के कैंटन कूल ने अपने हौसले और हिम्मत के बल पर वो कारनामा कर दिखाया जिसका सपना उनके जैसा कोई होता तो कब का छोड़ चुका होता। 48 साल के कैंटन कूल ने 16वीं बार एवरेस्ट फतेह कर नया रिकॉर्ड बना दिया। इसी के साथ वो पहले ऐसे पर्वतारोही बन गए जिसने गैर नेपाली होते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब तक ऐसे सारे रिकॉर्ड किसी न किसी नेपाली शख्स के ही खाते में दर्ज है। ब्रिटेन के 48 वर्षीय कैंटन कूल ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 16वीं बार फतेह की है और वो ये कारनामा करने वाले पहले गैर नेपाली नागरिक बन गए हैं। द गार्डियन की सोमवार को प्रकाशित खबर में कूल के इंस्टाग्राम पेज के हवाले से बताया गया है कि दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड के ग्लूसेस्टर शायर के रहने वाले कूल रविवार सुबह 16वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। कूल को तेज हवाओं के कारण माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने में देरी हुई। पर्यटकों को माउंट एवरेस्ट चढ़ने में मदद करने वाले अनेक नेपाली गाइड्स ने एवरेस्ट की चढ़ाई कई बार पूरी की है। अभी ये रिकॉर्ड कामी रीता के नाम पर है जिन्होंने पिछले हफ्ते 52 साल की उम्र में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। कूल ने इंस्टाग्राम पर किए पोस्ट में स्थानीय गाइड्स को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें पर्वत का सुपर हीरो बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय गाइड्स ने हमारे लिए काफी मेहनत की। कूल ने पहले अन्य पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की है। मई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई का सबसे पसंदीदा वक्त है और नेपाल सरकार ने मौजूदा मौसम के दौरान पर्वतारोहण के लिए 316 परमिट जारी किए हैं। काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार पिछले सप्ताह एक दिन में 150 पर्वतारोही एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। 1996 में रॉक क्लाइंबिंग के दौरान हुए हादसे में कूल की दोनों एड़ी की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी, लेकिन अपने हौसले के बल पर उन्होंने अपना सपना चकनाचूर नहीं होने दिया और 16 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले अंग्रेज के तौर पर अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई ने भी अप्रैल में कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को थोक मूल्य आधारित सूचकांक के आंकड़े जारी किए जो 9 साल में सबसे ज्यादा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में WPI बढ़कर 15.08% पहुंच गई जो 9 साल का उच्चतम स्तर है। अप्रैल महीने में होलसेल महंगाई 9 सालों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। अप्रैल 2022 महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 15% के पार 15.08% रहा है, जबकि मार्च में 14.55% रहा था। फरवरी 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 13.11% रहा था। थोक महंगाई दर का पिछले 5 महीने का ये उच्चतम स्तर है। जनवरी 2022 में महंगाई दर 12.96% रही थी। महंगाई दर बीते एक सालों से ज्यादा समय से लगातार दहाई के आंकड़े में है। एक साल पहले थोक महंगाई दर 10.74% पर था। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2022 महीने में महंगाई दर की मुख्य वजह पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल्स की कीमतों में तेजी है जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में पड़े व्यवधान से पैदा हुआ है। होलसेल महंगाई दर 15% के पार जा पहुंचा है, जबकि बीते हफ्ते खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा जिसके मुताबिक खुदरा महंगाई दर मई 2014 के बाद अपने उच्चतम स्तर 7.79% पर रहा है। अप्रैल महीने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.35% रहा है जो कि मार्च 2022 में ये 8.06% पर था। फ्यूल और पावर की महंगाई दर बढ़कर 38.66% पर जा पहुंची है जो मार्च 2022 में 34.52% रही थी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की महंगाई दर अप्रैल में 10.85% रही है जो मार्च 2022 में 10.71% रही थी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।
नेपाल के लुम्बिनी दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर मंत्रिमंडल को संबोधित कर साथ डिनर किया। पीएम मोदी ने इस दौरान योगी मंत्रिमंडल को सुशासन का पाठ पढ़ाया, साथ ही सभी मंत्रियों को जनता के कामों पर खास ध्यान देने को कहा। प्रधानमंत्री ने मिशन 2024 के लिए जुटने का भी संदेश दिया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सोमवार को नेपाल यात्रा पर गए पीएम मोदी शाम तक भारत लौट आए और उन्होंने यूपी के लखनऊ में योगी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में मंत्रियों के विभाग के बारे में रिपोर्ट लिया और वे काम कैसे करते हैं इस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने पर भी बात की और कहा भ्रष्टाचार पर लगाम जरूरी है, जनता से जुड़ी फाइलों को तत्काल निस्तारित किया जाए, सिंगल विंडो सिस्टम रखा जाए। प्रधानमंत्री ने जिलों में तैनात मंत्री समूह की रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा की। जिलों के मंडल प्रभारी और मंत्री समूह के जिले के दौरे का फीडबैक लिया और पूछा कि जिलों की क्या रिपोर्ट है, वहां अफसर और अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जा रही है या नहीं। पीएम मोदी ने मंत्रियों को काम कैसे करना है इसको लेकर जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन के बारे में भी चर्चा की और काम करने का तरीका भी मंत्रियों को बताया। सभी मंत्रियों से एक एक कर प्रधानमंत्री ने बात की। मुख्यमंत्री की तरफ से भी प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया गया। संकल्प पत्र के वादों को लेकर भी मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बात की। 4 घंटे से अधिक वक्त तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास पर रहे और मंत्रियों के साथ रात्रि भोज में भी शामिल हुए। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असमादित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी की 17 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट के नजदीक पहली बार लंगर डाला था। 1540 में शेरशाह ने हरदोई में हुमायूं को मात दी थी। इसे इतिहास में कन्नौज की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1749 में चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ था। 1857 में बहादुर शाह जफर द्वितीय को स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित किया गया था। 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। सन 2000 में ब्रिटेन के 2 रॉयल मरीन कमांडो बिना किसी सहायता के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। ये कारनामा अंजाम देने वाले वे पहले ब्रिटेनी नागरिक बने थे। 2002 में पाकिस्तान में मृत अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का शव कब्रिस्तान से बरामद हुआ था। और आज ही के दिन सन 2010 में भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए थे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार। ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া উপলব্ধ জাৱা মটৰচাইকেল।